अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यार नेस्ट जेएस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो नेस्ट जेएस का क्या काम है और नेस्ट जेएस की ज़रूरत आजकल यू नो हम लोग को क्यों पड़ी और क्यों ज़्यादातर डेवलपर्स जो हैं वो नेस्ट जेएस की पर स्विच कर रहे हैं। ठीक है, तो नेस्ट जेएस की को समझने के लिए ना बेसिकली हमें बिल्कुल रूट पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली स्टार्ट हुई थी, और वो रूट कॉज था नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस क्या था बेसिकली? नोड जेएस बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट पर रन टाइम है जो हमें जो है ना बेसिकली हेल्प करता है जो है जावास्क्रिप्ट को सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली जब शुरू शुरू में आई थी तो बेसिकली ब्राउजर्स के लिए बनाई गई थी। ठीक है, वो सिर्फ ब्राउजर्स के अंदर एग्जीक्यूट हुआ करती थी, लेकिन जब नोड जेएस आया तो नोड जेएस ने कहा कि ठीक है यार आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में एग्जीक्यूट करते हो लेकिन मुझे इस्तेमाल करो, मैं आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो कंप्यूटर्स पर आपके सर्वर्स पर एग्जीक्यूट करके दूंगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट बैकएंड के लिए आ गया। बैकएंड के लिए फिर हम जो है वो नोड जेएस के थ्रू जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते थे और बेसिकली रेस्ट एंड पॉइंट्स क्रिएट किया करते थे। ठीक है, तो हम जो है बेसिकली वो रेस्ट एंड पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बुक को ऐड कर सकते हैं, यूज़र को ऐड कर सकते हैं, तो सारी रिसोर्सेज जो थी वो हम रेस्ट एंड पॉइंट्स के थ्रू ऐड कर सकते थे बाय यूजिंग नोड जेएस। अब मसला क्या था? मसला ये था सबसे बड़ा कि जब हम नोड जेएस के साथ काम किया करते थे, नोड जेएस के साथ जो है ना काम करते वक्त हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, अगर मुझे बिल्कुल कोई सिंपल जो है ना वो कड एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मुझे बुक को ऐड करवाना है, डिलीट करवाना है, अपडेट करवाना है या बुक को फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इस पे आ जाएं ब्राउज़र इस पे वीएस कोड के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने तीन फाइल्स खोली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास जो है ना बेसिकली प्लेन नोड जेएस के अंदर एक एप्लीकेशन लिखी हुई है जो बेसिकली एक सिंपल एंड पॉइंट है, और यहाँ पर बीच के अंदर मेरे पास एक्सप्रेस है, और यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड पर मेरे पास नेस्ट जेएस है। अगर बिल्कुल लेफ्ट साइड पर गौर करें तो बेसिकली ये एक रेस्ट एंड पॉइंट मैंने क्रिएट किया है बुक्स के लिए, जिसमें बेसिकली जो है ना मैं पहले जो है ना बुक्स, उसके बाद फिर बुक्स को फाइंड कर रहा हूँ बाय आईडी, फिर उसके बाद हम बुक्स को ऐड कर रहे हैं, इसी तरीके से हम बुक्स को अपडेट कर रहे हैं, और इसी तरीके से मतलब बुक्स को डिलीट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक सिंपल एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए मुझे बेसिकली कितना कोड लिखना पड़ा। इट्स नियरली अबाउट 95 लाइन्स। ठीक है, तो 95 लाइन्स का कोड था। तो ये सबसे बड़ा मसला था। अब इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए डेवलपर्स ने क्या किया? डेवलपर्स ने जो है एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जो बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है नोड जो इसके अंदर लिखा हुआ है, एक्सप्रेस। ठीक है, तो एक्सप्रेस बेसिकली क्या है, हम ब्राउज़र पर चलते हैं तो ब्राउज़र पे आप यहाँ पे आएंगे तो एक्सप्रेस क्या है, बेसिकली एक फास्ट अनओपिनियटेड फ्रेमवर्क है जो बेसिकली किसके ऊपर बना हुआ है, नोड जेएस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो एक्सप्रेस ने क्या कहा, एक्सप्रेस ने कहा कि ठीक है यार आप नोड जेएस को इस्तेमाल करो, इसी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करो, अपने रेस्ट एंड पॉइंट्स लिखो, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा कोड लिखते हो नोड जेएस के अंदर उसको हटा दो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल जो है वो तरीका दूंगा, सिंपल तरीके से अपने जो है ना वो एपीआईस को लिखो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मसला क्या है? मसला ये आएगा जब हम एक्सप्रेस पे चलते हैं तो आप सबसे पहले तो मेन डिफरेंस नोट करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये नोड जेएस में तकरीबन 95 लाइंस बन रही थी, और उसी बुक्स एपीआई को जब हम कन्वर्ट करेंगे ना एक्सप्रेस के अंदर, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हो गए 40। तो मतलब आप समझ, यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि तकरीबन हाफ हाफ का फ़र्क आ चुका है। ठीक है, कहाँ पर 95 लाइंस से यहाँ तकरीबन 40 रह गई हैं हमारे पास, बल्कि हाफ से भी ज़्यादा जो है ना फ़र्क आया हमारे पास। तो हमारे पास देखो एंड पॉइंट सारे के सारे वही रहे। ठीक है, बुक्स हैं, बुक्स बाय आईडी है, ठीक है, बुक्स बाय पोस्ट, तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली जो है ना आप इसे देख सको। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सिंपल एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, बुक्स है, बुक्स बाय आईडी है, वो वही सारे एंड पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए हुए विद इन 40 लाइन्स। तो एक्सप्रेस ने क्या किया, उसने बेसिकली वो जो एक्स्ट्रा कोड हम लिखते थे ना उसे आगे ख़त्म कर दिया और आपको बोला कि सिंपल ये चीज़ें हैं, आप इसको इस्तेमाल करो। लेकिन एक्सप्रेस के साथ भी एक सबसे बड़ा मसला आया। वो मसला क्या था कि एक्सप्रेस अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो आपको नजर आएगा कि इट इज़ अनओपिनियटेड। अब अनओपिनियटेड का मतलब क्या है? अनओपिनियटेड का मतलब ये है कि यार एक्सप्रेस को लिखने का जो है ना कोई तरीका नहीं है। हर डेवलपर इसको अपने अंदाज से लिख सकता है। ठीक है, हर बंदे की लिखी हुई एप्लीकेशन जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है। अगर आप इसके अंदर आए, मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ जो मैंने एक्सप्रेस में लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बिल्कुल फोल्डर स्ट्रक्चर देख सकते हो राइट साइड के ऊपर, तो ये बेसिकली एक एक्सप्रेस की मैंने एप्लीकेशन लिखी हुई है टाइप स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने बेसिकली बनाया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कंट्रोलर्स मैंने अलग कर दिए, मैंने सर्विसेज अलग कर दी, मैंने जो है ना वो एंटिटीज अलग कर दी। ये मेरा स्ट्रक्चर है एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को लिखने का। अब कोई भी डेवलपर कल को आता है कहता है कि मैंने इस एप्लीकेशन पे काम करना है, तो मुझे सबसे पहले उसे जो है ना बैठकर समझाना पड़ेगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, कि इसमें कंट्रोलर्स जो है ना वो कैसे सर्विस पे पहुंचते हैं, कैसे फिर रिपोजिटरीज पे पहुंचती हैं सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। अब वो डेवलपर जो है वो अगर किसी और बैकग्राउंड से आया होगा जिस पे उसने एक्सप्रेस काम किया, वो बोलेगा सर वहाँ पे मैंने एक्सप्रेस इस्तेमाल की थी लेकिन वहाँ पर तो आर्किटेक्चर ही कुछ और था, तो यहाँ पर आप आएँ तो आर्किटेक्चर कुछ और है। तो ये सबसे बड़ा मसला था एक्सप्रेस एप्लीकेशन का, कि जहाँ पर भी एक्सप्रेस एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है वहाँ पर लोगों ने अपने हिसाब से आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि ये अनओपिनियटेड है। अनओपिनियटेड का मतलब ये कि कोई ओपिनियन नहीं है, मतलब कोई नज़रिया नहीं है इसको लिखने का, ये जो है ना वो अनओपिनियटेड है। तो अब ये सबसे बड़ा मसला था एक्सप्रेस का। इस मसले को आकर सबसे पहले रिजॉल्व किया नेस्ट जेएस ने।
नेस्ट जेएस ने कहा ठीक है, सबसे बड़ा जो है मैं काम करता हूँ कि आपको एक परफेक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता हूँ। अब परफेक्ट स्ट्रक्चर उसने किस तरीके से प्रोवाइड किया, आप ज़रा बिल्कुल अगर इस राइट साइड में, तो मेरे पास एक बेसिकली एक जो है ना मैंने कंट्रोलर जो है ना वो नेस्ट जेएस के अंदर लिखा, तो उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना एनोटेशंस जो है ना स्टार्ट होगी। अब जो लोग बेसिकली जावा का बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो बोलेंगे यार ये बिल्कुल नई चीज़ नहीं है यार, ये तो एनोटेशंस तो हम लोग स्प्रिंग बूट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एनोटेशंस जो है ना वो आप कोड्स को स्ट्रक्चर कर देती हैं। तो नेस्ट जेएस ने क्या कहा, नेस्ट जेएस ने उसी जावा वाली अप्रोच को उठाया, ठीक है, उन्होंने आपको एनोटेशंस प्रोवाइड कर दिए। अब इसका फायदा क्या हुआ कि आप वो देख सकते हो कि सबसे पहली बात कि लाइन नंबर ऑफ लाइंस भी यहाँ पर रिड्यूस हो चुके हैं तकरीबन 40 to 25, कोड भी तकरीबन जो है ना होने के बराबर ही हो गया है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर होगी। अब नेस्ट जेएस में चाहे दुनिया का कोई भी बंदा काम कर रहा हो, दुनिया की किसी भी कोने में काम कर रहा हो, वो इस कंट्रोलर को जब भी बनाएगा उसी तरीके से बनाएगा। अगर उसे पोस्ट की रिक्वेस्ट मारनी हो ये एनोटेशन इस्तेमाल करेगा, अगर गेट की रिक्वेस्ट मारनी है तो ये करेगा, अगर डिलीट की रिक्वेस्ट मारनी है तो ये करेगा। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना ये आके नेक्स्ट जेएस ने ये फिजिबिलिटी प्रोवाइड की कि यार आप जो है बेसिकली मेरे इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करो, और दुनिया में कोई भी बंदा जब नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहा होगा वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए काम करेगा। तो नेक्स्ट जेएस ने क्या किया, आपको जो है ना बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। अब अंडर द हुड नेक्स्ट जेएस जो है ना बेसिकली वो एक्सप्रेस को इस्तेमाल कर रहा होता है, और एक्सप्रेस बेसिकली नोड जेएस के ऊपर बना हुआ है। ये सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन क्या है कि हर एक फ्रेमवर्क ने अलग अलग प्रॉब्लम को टैकल किया है। ठीक है, नोड जेएस ने बेसिकली टैकल किया था कि जावास्क्रिप्ट को उसने सर्वर पे एग्जीक्यूट करना है, और एक्सप्रेस ने टैकल किया था कि जो एक्स्ट्रा कोड मुझे लिखना पड़ता है नोड जेएस के ऊपर वो मुझे ना लिखना पड़े, और नेक्स्ट जेएस ने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व की कि यार जो आप अनओपिनेटेड स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे होते हैं उसको आप जो है ना ओपिनेटेड कर दो कि यार नहीं भाई आपको ये फिक्स्ड आर्किटेक्चर को लेकर चलना है। ठीक है, तो ये बेसिक रीज़न था नेक्स्ट जेएस को क्रिएट करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, और नेक्स्ट जेएस का आर्किटेक्चर जो है किस तरीके से काम करता है।